प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन की न्यूक्लियर फिजिक्स, और आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है गेमोज थ्योरी ऑफ अल्फा डिग्री, थ्योरी ऑफ अल्फा डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। आज हम इसे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में 8 नंबर तक इस क्वेश्चन को पूछा जाता है और बहुत बार आता है। इसका मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊंगा यहां पे कि जो हमारी क्लासिकल थ्योरी है ना, वो अल्फा डिके को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई। यानी कि उसके मुताबिक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से निकल ही नहीं सकता। क्यों? वो जिसका आंसर अभी आप लेक्चर में देखेंगे, इसलिए स्किप ना करें। दूसरी बात यह है कि गेमो 1928 में बहुत ही सक्सेसफुली क्वांटम थ्योरी के आधार पर अल्फा डिके या अल्फा डिसइंटीग्रेशन को एक्सप्लेन कर दिया। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अल्फा डिके के दौरान होता क्या है, पहले तो वो देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, वो भी देख लेंगे, और कैसे हम कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट रहते हैं। फिर तीसरी बात हम देखेंगे भाई क्लासिकली अल्फा डिके पॉसिबल क्यों नहीं है। चौथी बात फिर हम इस थ्योरी को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे, जो सक्सेसफुली इसको एक्सप्लेन कर देती है बहुत ही आसान से स्टेप में, और आप लिखते जाएंगे। मैं पहले समझाऊंगा फिर लिखूंगा भी, और इनके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि अल्फा डिके के दौरान होता क्या है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, पहले भी हमने आपको बताया है कि ये हमारी पेरेंट न्यूक्लियाई है और ये पैदा करती है अल्फा पार्टिकल। ये देखिए, ये अल्फा पार्टिकल पैदा होता है जिसमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और जिसका मास 4 होता है, और ये है हमारा डॉटर न्यूक्लियाई जो अल्फा डिके के दौरान पैदा होती है, जिसका चार्ज 2 यूनिट कम हो जाता है और मास 4 कम हो जाता है पेरेंट न्यूक्लियाई से। यह है हमारा अल्फा पार्टिकल। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह अल्फा पार्टिकल इस पेरेंट न्यूक्लियस में पहले से ही इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट था। भाई, यह इसमें से पैदा हो रहा है, इसका मतलब है कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता होगा। यह ऑब्जर्वेशन इस चीज को प्रूव कर रही है। एक बात तो यह है, यानी कि आप कहेंगे कि दी अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम न्यूक्लियस, इससे यह बात तय हो गई कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर ही, इसका मतलब है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन ये जो प्रोटॉन है इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पहला ही पॉइंट, एज इट प्रोड्यूसेस फ्रॉम न्यूक्लियस। भाई, पहली बात तो ये है कि न्यूक्लियस से पैदा होती है, इट मींस दैट द 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड एंड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अल्फा डिके। दूसरी एक और बात बेटे, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कर्व पर न्यूक्लियन जब हम स्टडी करते हैं, उससे भी एग्जिस्टेंस ऑफ दीज अल्फा पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस में प्रेजेंट को प्रूव करती है। उससे भी हमें यही इंडिकेशन मिलता है कि दीज अल्फा पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब प्यारे बच्चों, थोड़ी सी हम स्टडी कर लेते हैं न्यूक्लियस की, आखिर न्यूक्लियस में होता क्या है, फिर ही तो हम अल्फा पार्टिकल की तरफ पहुंचेंगे। हम लोग देख लेते हैं कि न्यूक्लियस में होता क्या है। ये देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो गए। अब यहां पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जब इन पर दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है तो जाहिर है ये रिपेल भी कर रहे होंगे, इसका मतलब है इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन भी है। लेकिन ये फिर भी अंदर है, इसका एक और मतलब निकलता है कि ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं इनमें कहीं स्ट्रॉन्ग फोर्स कोई और भी एग्जिस्ट करता है। वो जो न्यूक्लियर फोर्स है जिसके बारे में हमने आपको पहले पढ़ा रखा है, वो इन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी है और वो अट्रैक्टिव होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो सिर्फ इन प्रोटॉन्स के बीच में होता है जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, यानी कि जब दूर होते हैं तो ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रोटॉन जब क्लोज आ जाते हैं तो ये जो रिपल्सिव फोर्स है ये कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, और जो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो डोमिनेट कर जाता है। एक डायग्राम बनाता हूं फिर हम इसके मुताबिक चलेंगे और आपको समझाएंगे कि क्लासिकल थ्योरी क्यों फेल हो गई और हमारी क्वांटम थ्योरी क्यों इसे सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रही है। यहां से देखिए प्यारे बच्चों, मेरे साथ आप डायग्राम जरूर बना लें, ये देखिए। इधर हम ले रहे हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस, और इधर हम पोटेंशियल ले लेते हैं, और ये देखिए ये डिस्टेंस वो है जब डिस्टेंस जो है आर आर के बराबर है। आर क्या है? इस सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से ये इसका रेडियस है, न्यूक्लियस का रेडियस है, ठीक है। और पार्टिकल कहां है? ये रेडियस है प्यारे बच्चों, कैपिटल आर जिसको मैं लिख रहा हूं, यहां से यहां तक किसी न्यूक्लियस का रेडियस है, और ये हमारा अल्फा पार्टिकल है। न्यूक्लियस पर जो चार्ज है वो देखेंगे, इस न्यूक्लियस के पास ये, और इस ये हमारा अल्फा पार्टिकल है जिस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से इसको हम आर ले रहे हैं, और इस डायग्राम में यही है वो आर, डिस्टेंस ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। क्या है ये? डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ये है प्यार, ये आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और देखिए जब न्यूक्लियस, ये हमारा अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के सेंटर से दूर होती है तो ये कहानी कुछ इस तरह से होती है, ये देखिए, ये जब हमारा अल्फा पार्टिकल सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से दूर होता है तो जो फोर्स होता है वो रिपल्सिव होता है, सी फोर्स इससे में रहता है, यानी कि वो जो अल्फा पार्टिकल है और हमारी जो न्यूक्लियस है दोनों पर ही पॉजिटिव चार्ज है, ये देखिए अल्फा पार्टिकल पर भी और इन पर भी, तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कैसे करते हैं, कितना करते हैं, वो भी हम बताएंगे। और जैसे जैसे इनके बीच की डिस्टेंस को कम करते हैं तो वो जो फोर्स हो है, जो रिपल्सिव है, वो और बढ़ता चला जाता है और वो मैक्सिमम हो जाता है जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बराबर हो जाती है, लगभग ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के काफी क्लोज आ जाता है, ये समझ लीजिए उसकी बाउंड्री पर ही आ जाती है। तो और अगर उससे भी कम हम डिस्टेंस करते हैं तो फिर ये देखिए फिर कहानी कुछ और हो जाती है, ये देखिए ये कहानी, और फिर ये जो फोर्स जो पहले रिपल्सिव था तो जब ये काफी क्लोज आ जाते हैं, यानी कि आर की जो डिस्टेंस है अल्फा पार्टिकल ऑफ सेंटर ऑफ न्यूक्लियस की, वो जब इस कैपिटल आर की रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से कम हो जाती है, इसका मतलब है वो अल्फा पार्टिकल जब अंदर आ जाता है तो ये जो रिपल्सिव फोर्स था ये खत्म हो जाता है, एंड न्यूक्लियर फोर्स जिसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कह रहे हैं न्यूक्लियॉन्स के बीच में, उसकी एग्जिस्टेंस शुरू हो जाती है, वो डोमिनेट कर जाता है, और ये देखिए ये माइनस वी नोट है। प्यारे बच्चों हम देखते हैं बहुत ही सिंपल सी बात करके चले जाते हैं कि जब अल्फा पार्टिकल सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से दूर होता है, बाहर होता है, और वो धीरे धीरे न्यूक्लियस की तरफ
आता है। तो क्या होता है, बस वही चीज हम यहां देखते चले जाते हैं कि व्हेन अल्फा पार्टिकल अप्रोचेस डी न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की तरफ आई, ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ आया, तो देयर एग्जिस्ट दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि इन पर भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या हो रहा है, वहां पर ये रिपेल कर रहे हैं। और एक और बात, जैसे जैसे ये नजदीक आते हैं तो आर घट रही है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ता चला जाता है और ये मैक्सिमम हो जाता है जब आर आर के पास आ जाता है। यही चीज मैं पहले लिख देता हूं कि व्हेन अल्फा पार्टिकल अप्रोचेस द न्यूक्लियस देयर एग्जिस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, रिपल्सन, और ये फोर्स जो है इट इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग डिस्टेंस, विच इंक्रीजेस डिक्रीजिंग डिस्टेंस। यहां तक जैसे जैसे कम हो रही है तो ये जो फोर्स है रिपल्सिव ये बढ़ रहा है, और जब ये r बराबर r के बराबर आ जाता है तो ये मैक्सिमम हो जाता है एंड बिकम्स मैक्सिमम एट डिस्टेंस r इक्वल टू r, दैट इज एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच कह दीजिए या एट द बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस कह दीजिए, वहां आकर के ये मैक्सिमम हो जाता है। और फिर देखिए, अब आप कहेंगे सर फिर क्या होगा अगर इस डिस्टेंस को हम और कम कर दें, इस पार्टिकल की डिस्टेंस को और कम कर दें तो क्या होगा। बिल्कुल, जैसे ही आर इस आर से कम होगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से कहिए या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से कम होगा, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन की बजाय अब यहां पर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कम्स इन टू प्ले, वो आ जाएंगे। इवन आर बिकम लेस देन आर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कम्स इन टू प्ले, एंड द पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स नेगेटिव इक्वल टू वी नॉट, जैसे ही है ना ये इतनी हो जाती है एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स नेगेटिव, दैट इज वी आर इज इक्वल टू माइनस वी नॉट। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये पोटेंशियल एनर्जी होती कितनी है, कि जब हमारा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर होता है तो फिर ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, वो आप फार्मूला पहले से ही जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो ये जो हमारी डॉटर न्यूक्लियाई है इस पर चार्ज कितना है, जेड माइनस टू, इतने प्रोटोन है और एक प्रोटोन पर ई चार्ज होता है, और हमारे अल्फा पार्टिकल पर कितना है, टू इंटू ई डिवाइडेड बाई आर, ये है पोटेंशियल एनर्जी। और ये जब r लेस देन r हो जाती है तो ये माइनस वी नोट के बराबर हो जाती है, यानी कि इतनी नेगेटिव एनर्जी हो गई। और अब आपको कुछ बात समझ में आने लगेगी, यानी कि एक तरह से हमारा जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के अंदर आ गया है या न्यूक्लियस के अंदर है। अब हम उल्टा चलते हैं, अब हम उस अल्फा पार्टिकल को इस न्यूक्लियस से बाहर निकालना चाहते हैं जैसा कि अल्फा डीके के दौरान होता है। तो अब इसे इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा तो ही वो बाहर आ सकता है, इस पोटेंशियल हाइट को कवर करना पड़ेगा। यानी कि समझ लीजिए कोई किसी एक कुएं के अंदर है या किसी खाई के अंदर है कोई, और वो बाहर निकलना चाहता है तो उसके पास इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए ताकि वो उसे बाहर आ सके।
कितनी वो देख लेते हैं। अगर मैं यहां यूरेनियम की बात करूं, जिसकी बात आप जानते हैं 92 यूरेनियम 238, अगर मैं ये रख दूं और फिर इस पोटेंशियल एनर्जी को मैं निकालूं, तो ये लगभग आती है 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी आती है। यानी कि जो अल्फा पार्टिकल इसके अंदर है, अगर वो बाहर निकलना चाहता है तो उसे इतनी पोटेंशियल हाइट को पास करना होगा, ओवरकम करना होगा, तो ही वो बाहर आ सकता है। वही चीज मैं यह कह रहा हूं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिविटी के दौरान या अल्फा डिके के दौरान पैदा होते हैं, बेचारे उनकी तो एनर्जी होती ही सिर्फ 4.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। अब इतने कम एनर्जी का अल्फा पार्टिकल इतनी हाइट वाले बैरियर को कैसे ओवरकम कर सकता है? मोटे तौर पर देखते हैं या क्लासिकली देखते हैं तो यह संभव नजर नहीं आता। यानी कि क्लासिकली नो अल्फा पार्टिकल कैन इमिट फ्रॉम द न्यूक्लियस, बिकॉज द अल्फा पार्टिकल है द एनर्जी 4.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच कैन नॉट पास दिस बैरियर हाइट ऑफ विच इज अबाउट 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही चीज आप यहां पर आप लिख दीजिए, इन ऑर्डर टू अल्फा डिके दी एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल मस्ट बी 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी होनी चाहिए जैसे कि मैंने बताया। बट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन शोज दैट द एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स विच इमिट फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज अप्रोक्सीमेटली 4.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन शोज दैट द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज अबाउट 4.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी द अल्फा पार्टिकल हैविंग दिस मच एनर्जी कैन नॉट ओवरकम दिस पोटेंशियल बैरियर। इट मीन्स दैट अल्फा डिके इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी। कि ये तो प्रॉब्लम हो गई भाई, अल्फा डिके तो हो रहा है जबकि क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि ये हो ही नहीं सकता। कोई कम एनर्जी का कम ताकत वाला आदमी किसी गड्ढे में गिरा हुआ है और उसके पास ज्यादा एनर्जी है नहीं और वो उसको जो हाइट है वो ज्यादा है, तो मोटे तौर पर तो या यूं कहिए कि क्लासिकली तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति इस गड्ढे से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन वो आता है, इसकी जाए बार बार कोशिश की जाए तो ये पॉसिबल है। कोई भी लक्ष्य अचीव करना पॉसिबल है लेकिन दिखने में वो असंभव नजर आ रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि 1928 में गेमोल्स ने क्वांटम थ्योरी के आधार पर सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया कि इस जो इतनी हाइट आपको नजर आ रही है उसे एक लो एनर्जी का अल्फा पार्टिकल भी उसमें से पास हो सकता है क्वांटम वेव मैकेनिक्स के आधार पर। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल पार्टिकल के साथ साथ जब वो मूव करता है तो वेव की तरह भी एसोसिएट करता है, और इस तरह से वो कम एनर्जी के बावजूद इस पोटेंशियल बैरियर को पेनिट्रेट कर सकता है, जिसे हम टनलिंग कहते हैं, क्वांटम वेव टनलिंग कहते हैं, जिसे मैं अब एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी द अल्फा पार्टिकल हैविंग एनर्जी
4.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैन नोट ट्रेड ऑफ हाइट 6 मेगा। ये सारी कहानी तो 1911 में हुई थी, लेकिन इन 1928 गेमो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम वेव मैकेनिक्स शोन द अबाउट प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से पैदा ही नहीं हो सकता क्लासिकल थ्योरी के अंदर, तो इन्होंने कहा क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक वेव की तरह भी एसोसिएट होता है, तो देर इज अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी टू पेनिट्रेट द पोटेंशियल बैरियर बाय एन अल्फा पार्टिकल इवन लेसर एनर्जी। देर इज अकॉर्डिंग टू देम या अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी और क्वांटम वेव मैकेनिक्स देर इज फाइनाइट प्रोबेबिलिटी जिसे अभी हम निकालने वाले हैं टू पेनिट्रेट द बैरियर ऑफ लार्ज हाइट इवन बाय एन अल्फा पार्टिकल ऑफ लेसर एनर्जी। मतलब कम एनर्जी के बावजूद यहां से उस अल्फा पार्टिकल की इसको पेनिट्रेट करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, और इस इफेक्ट को कहा जाता है टनल इफेक्ट। इट इज कॉल्ड, ये कई बार पूछ लेते हैं कि नंबर व्हाट इज टनल इफेक्ट, जो आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा है, इट इज कॉल्ड टनल इफेक्ट। तो प्यारे बच्चों एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसको थोड़ा और आगे समझाता हूं। प्यारे बच्चों गेमोज थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए या यूं कहिए कि क्वांटम वेव मैकेनिक्स के आधार पर इसके समझाने के लिए इन्होंने दो अजम्पशंस भी लेके चले हैं। पहली बात तो यही कि क्या क्या अजम्पशंस की, कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ना ये इस न्यूक्लियस में इंडिपेंडेंटली एक इंडिविजुअल एंटिटी के रूप में एक इकाई के रूप में एग्जिस्ट करती है। भाई इसके ऊपर मतभेद नहीं है, ये मान के चल रहे हैं कि इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस द अल्फा पार्टिकल पार्टिकल हम कहते थे ना कि इसमें भी प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन नहीं, ये कहता कि अल्फा पार्टिकल भी इसमें रहता है एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल। इसका मतलब है एक इकाई के रूप में ये खुद यहां न्यूक्लियस में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। और दूसरी बात हम लोग सोचते हैं कि ये न्यूक्लियस छोटी सी होती हुई तो ये तो बिल्कुल बाउंड स्टेट में होती होंगी एक जगह, ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूअसली मोशन में होती हैं और इस पोटेंशियल बैरियर से टकराती हैं, और जब तक टकराती रहती है जब तक कि इसको ये पेनिट्रेट ना कर जाए, यानी कि दे कंटिन्यूअसली, दे का मतलब है अल्फा पार्टिकल से, दे कंटिन्यूअसली रिमेन मतलब इसमें घूमते रहते हैं इन मोशन एंड स्ट्राइक और टकराते हैं द बैरियर, है ना, कि भाई हम तो इसके बाहर निकलना चाहते हैं तो ये बार बार उनसे टकराते हैं। अंटिल कब तक ऐसा करते रहते हैं, जैसे मैं कहूं कि भाई आपने कोई लक्ष्य बना लिया है, बेशक से वो संभव लग रहा है कि मुझे 100% मार्क्स लेने हैं, मुझे ये जॉब लेनी है, मुझे ये हाईएस्ट जॉब है जो मुझे लेनी है, दिखने में असंभव नजर आ रही है, लेकिन अगर आप बार बार ट्राई करेंगे
तो आप उस गोल को अचीव कर ही लेंगे। वही तो चीज यहां है, अंटिल दे सक्सीड टू पेनिट्रेट ट्रेट द बैरियर। ये दो अजम्पशंस गेमोस एंड कंडन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको लेके चले, इनको आधार बनाया है। ये अजम्पशंस हैं। अजम्पशन वो होती हैं जिस पर आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते ये है कि नहीं है, ऐसा नहीं है। तो चलिए अब उन्होंने किस तरह से मैथमेटिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सहायता से इसको अल्फा डिके को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, अब हम उसको देख लेते हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट पहले बच्चों, अब हम इसकी क्वांटम थ्योरी को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं हम इस तरीके से, आप देख लीजिएगा, मैं यही बना देता हूं, आप भी बना लीजिए मेरे साथ साथ, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इधर हम x ले रहे हैं पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन में, इधर ये माइनस x डायरेक्शन में है, और ये है हमारा x इज इक्वल टू a। ये एक पोटेंशियल बैरियर जो कि रेक्टेंगुलर है इसको हम कंसीडर कर रहे हैं। इधर हम v r और इधर हम ले रहे हैं x, आप देख ही रहे हैं, और ये इसकी विड्थ है और इसकी हाइट आप देख रहे हैं ये v नोट है, ये इसकी हाइट है। तो आप यहीं से लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे कि कंसीडर वन डायमेंशनल रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि उसी से हम इसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सहायता से एक्सप्लेन करेंगे। ये रीजन वन है हमारा, ये रीजन टू है और ये रीजन थ्री है। इन तीनों रीजन्स के लिए किस तरह से हमारा जो पार्टिकल है वो इसमें से पेनिट्रेट कर पाता है उसको हम अब हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हम यही लिख रहे हैं कि कंसीडर वन डायमेंशनल, क्योंकि हम एक्स एक्सिस डायरेक्शन में हमेशा ले रहे हैं, कंसीडर वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर बच्चों। और अब ये तो हुआ उसका ग्राफिकली हम इसको इस टाइप से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और अगर हम इसे मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें तो ये किसके बराबर, देखिए वी आर इट इज इक्वल टू जीरो। जीरो किसके लिए है, जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है। ये देखिए इफ एक्स इज लेस देन जीरो मतलब जीरो से कम है, यानी एक्चुअली नेगेटिव है, तो जो पोटेंशियल है वो जीरो है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इट इज इक्वल टू वी नोट इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या फिर लेस देन इक्वल टू ए। ये यहां पर देखिए जीरो और ए के बीच में जो पोटेंशियल की हाइट है या पोटेंशियल एनर्जी है वो वी नोट है। और यहां से एक चीज और देखिए, ये जीरो फिर हो जाती है रीजन थ्री में जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए हो जाती है, यानी इट इज इक्वल टू ए। ये हमारी डेफिनेशन हो गई है मैथमेटिकली इस वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर की। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। प्यारे बच्चों, अब हम इन तीनों ही रीजन के लिए, रीजन वन, रीजन टू और रीजन थ्री के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि जो क्वांटम मैकेनिक्स है ना वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सहायता से ही हम उनसे डिफरेंट रीजन को सॉल्यूशन कर पाते हैं। तो देखिए फॉर रीजन वन के लिए, इस रीजन की अगर हम बात करें तो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी स्क्वेयर साई वन, ये वेव फंक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं रीजन वन के लिए, और डी एक्स स्क्वेयर प्लस टू एम ई डिवाइड बाई एच क्रॉस और इनटू साई वन एंड इट इज इक्वल टू जीरो। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं
कि डी स्क्वेयर साई वन बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस के वन स्क्वेयर साई वन इट इज इक्वल टू जीरो। और यहां पर जो के वन है इसको भी हम लिख लेते हैं, आप देख रहे हैं कि जो के वन है इट इज इक्वल टू टू एम ई बाई एच, ये देखिए एच क्रॉस ये वैल्यू आप देख रहे हैं। तो ये हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन कह रहे हैं बच्चों। अब हम रीजन टू के लिए स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख देते हैं। यहां पर ये देखिए, यहां पर आप जानते हैं ना ए क्या है, इसकी विड्थ है और वी नोट इसकी हाइट है, इसको वी नोट कह दीजिए या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बैरियर। और ये क्या है, विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, ये आप लिख दें यहां पर। मैं फिर बता रहा हूं, ए तो क्या है, विड्थ ऑफ द पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। और जो वी नोट देख रहे हैं ना, इट इज दी हाइट, इसको हाइट कह दीजिए या फिर आप इसको कह सकते हैं कि इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बैरियर, ठीक है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बैरियर, खैर ये लिख देना आप। अब हम रीजन टू के लिए हमारी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख रहे हैं और वो है डी स्क्वेयर साई टू बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस टू एम ई माइनस वी नोट इंटू साई टू डिवाइडेड बाई एच क्रॉस और इट इज इक्वल टू जीरो, ये हो गई। इसे हम और लिख सकते हैं डी स्क्वेयर साई टू बाई डी एक्स के लेते हैं माइनस टू एम वी नोट माइनस ई, ये ले लिया है क्योंकि ई इज लेस देन वी नोट यहां, और डिवाइडेड बाई यहां देख ही रहे हैं एच क्रॉस स्क्वेयर एंड साई टू इक्वल टू जीरो। इसको यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं डी स्क्वेयर साई टू बाई डी एक्स स्क्वेयर और साई टू इज इक्वल टू जीरो। और यहां पर एक और बात देखिए, जो के टू है इट इज इक्वल टू टू एम वी नोट माइनस ई, तो हम रूट ले लेते हैं और नीचे हो गया है एच क्रॉस, ये चीज आप देख रहे हैं, ये के टू के स्थान पर हमने लिख दिया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई स्क्रोडिंगर इक्वेशन इस सेकंड रीजन के लिए। थर्ड रीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि थर्ड रीजन बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहला वाला रीजन है। उसके लिए भी अगर हम लिखना चाहें तो इसको इस तरह से लिखेंगे डी स्क्वायर साई, ये रीजन थ्री के लिए है प्यारे बच्चों, मैं लिख देता हूं बाई डी एक्स स्क्वेयर और प्लस के वन स्क्वेयर साई थ्री एंड इट इज इक्वल टू जीरो, जहां के वन जो है ये कितनी होगी, ये वही है टू एम ई डिवाइड बाई एच क्रॉस। खैर ये रीजन हमारी थ्री के लिए आएगी। तो प्यारे बच्चों ये तीनों रीजन्स के लिए हमने अपनी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख ली है। अब हम क्या करेंगे, इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं, रीजन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन वन टू एंड थ्री। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कुछ जगह हमारे पास होनी चाहिए और आप समझ रहे हैं, अगर ये चीजें आपकी समझ में आ रही हैं स्टेप बाय स्टेप, तो प्यारे बच्चों इतना तो आप कर ही सकते हैं ना कि अपने इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूरी है, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, आप बता दीजिए आप कहां से बिलोंग कर रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका थोड़ी देर लगती है लेकिन ये चीजें आपके काम भी आएंगी और इससे यहां हमारे लिए यूं समझ लीजिए काफी मोटिवेशन मिलता है। तो प्यारे बच्चों ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे चलते हैं। द सॉल्यूशन, अब प्यारे बच्चों जो हमने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन वन टू थ्री जो अभी हमने लिखी थी उनका सॉल्यूशंस जो हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा चुके हैं डायरेक्ट यहां लेंगे, या हम उनको ड्राइव नहीं कर रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य तो यही है ना कि हमारा जो पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल्स है वो इसको पेनिट्रेट कर सकता है कि नहीं, यानी कि अल्फा डीके पॉसिबल है कि नहीं, उसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन वन इक्वेशन टू एंड थ्री
आर गिवन बाई, मतलब वो जो सॉल्यूशन हमने निकाले हैं वो क्या है बस वो लिख दो, और वो डायरेक्ट हम जानते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं पहले वाली जो हमारी श्रोडिंगर वेव उसका सॉल्यूशन कैसा आता है, ए ई की पावर आईटा के वन एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आईटा के वन एक्स। तो इसको हम इक्वेशन नंबर फोर दे देते हैं, इट इज इक्वेशन फोर। अब देखिए ये जो है ये इंसिडेंट जहां से कोई वेव आती है, जो हमारा जो यहां पर आप देख रहे थे जो अल्फा पार्टिकल था उसके साथ जो वेव एसोसिएट कर रही है वो आ रही है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है इंसिडेंट वेव को, और ये उसकी रिफ्लेक्टेड वेव को रिप्रेजेंट कर रही है, इंसिडेंट और ये इसकी रिफ्लेक्टेड वेव। ये तो हमारा रीजन वन के लिए हो गया है। अब हम रीजन टू की बात कर लेते हैं। रीजन टू में क्या हो जाएगा, सी इंटू ई की पावर माइनस के टू एक्स प्लस डी इंटू ई की पावर के टू एक्स। यहां पर ये इक्वेशन नंबर फाइव हो गई है, और ये वही इंसिडेंट वेव जो इसके अंदर है और ये उसकी रिफ्लेक्टेड वेव को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब हम रीजन थ्री की बात कर लेते हैं, उसमें क्या हो रहा है, ई नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ई से हमने यहां कई हमारी इक्वेशन में आई हुई है तो हम उसको हटा रहे हैं। यहाँ ई के बाद एफ कॉन्स्टेंट, ये ए बी सी डी ये सब कॉन्स्टेंट है, यहाँ एफ भी कॉन्स्टेंट है, ये हो गया ई की पावर आई और के वन एक्स कह देते हैं यहां पे। देखिए यहां पर क्योंकि आप देख रहे हैं इंसिडेंट ही है, रिफ्लेक्टेड वेव है ही नहीं यहां पर, इसलिए हमने इनको ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सिक्स आ गई है। ये तीन इक्वेशंस आ गई हैं प्यारे बच्चों। आप सोच रहे होंगे सर इस तरह से तो अगर हम करेंगे तो एक बड़ा आर्टिकल हो जाएगा, और वो हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। मुझे या आपको यहां पर उसे डिराइव करने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इन इक्वेशंस को यूज करके और इनको सोल्व करके बाउंड्री कंडीशंस लगा करके हम ट्रांसमिशन कोफिशियंट निकाल सकते हैं कि इसमें से कितना ट्रांसमिशन कोफिशियंट आएगा। अगर एक बार हमें ट्रांसमिशन कोफिशियंट का पता चल जाए और फ्रीक्वेंसी का भी पता चल जाए तो फिर हम अल्फा पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है डिके की वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो होती है ट्रांसमिशन कोफिशियंट मल्टीप्लाई बाय द फ्रीक्वेंसी। खैर वही बात हम यहां लिख रहे हैं कि ऑन सॉल्विंग, सोल्व करना नहीं है हमें बस लिखना है, ऑन सॉल्विंग एंड अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशंस कंडीशंस द ट्रांसमिशन कोफिशियंट इज गिवन बाय, या वी गेट द ट्रांसमिशन कोफिशियंट कोफिशियंट इट इज गिवन बाय। प्यारे बच्चों ये इस तरीके से है, आप लिख भी दें यहां पे कि 16e, देखिए ये जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये आ जाएगा, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। क्या लिखोगे, v नोट माइनस e डिवाइडेड बाय v नोट e की पावर माइनस 2a2a, ये सॉल्यूशन हमारा आ जाता है। ये क्या है, ये ट्रांसमिशन कोफिशियंट है जो इन वेव फंक्शंस को सोल्व करके बाउंड्री कंडीशंस लगा करके जो हमने क्वांटम मैकेनिक्स में आपको पढ़ा चुके हैं, चाहे तो उन वीडियोस को देख सकते हैं, वो ये आ गई है 16e v नोट माइनस e डिवाइड बाय v नोट स्क्वायर और माइनस 2k2a। और प्यारे बच्चों ये चलिए इक्वेशन में साथ कह देता हूं, इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी है, वो इस पोटेंशियल वेल के अंदर मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से, और तो फिर देखिए वो अल्फा पार्टिकल बार बार इसमें इन इनकी जो बैरियर की जो वॉल्स हैं उनसे स्ट्राइक कर रहा है, और तो स्ट्राइक की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बात ये कही है कि
frequency of strike on barrier. प्यारे बच्चों आप जानते हैं ये फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, V बाई 2R, ये होती है, ये फार्मूला भी हम पहले से जानते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 8 कह देता हूं। अब हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशियंट भी आ गया है और हम फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइक वो भी हम निकाल चुके हैं, बस फिर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा डीके क्या होती है वो इन दोनों पर ही तो निर्भर करती है, वो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द अल्फा डीके इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसमिशन कोफिशियंट एंड द फ्रीक्वेंसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा डीके। देखिए प्यारे बच्चों ये होती है हमारी ट्रांसमिशन कोफिशियंट के बराबर मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी, यही मैं लिख देता हूं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अल्फा डीके प्रोबेबिलिटी, प्यारे बच्चों देखिए कितना हो जाएगा, मुझे बताइए, देखिए मैंने बताया था ना कि ट्रांसमिशन कोफिशियंट मल्टीप्लाई बाय द फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है जिसमें ये हमारा अल्फा पार्टिकल्स इस बैरियर से स्ट्राइक कर रहा है, कितने पर सेकंड कितनी बार स्ट्राइक कर रहा है बात उसकी होती है, तो टीआर यानी कि जो ट्रांसमिशन कोफिशियंट है उसकी ये वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, और फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं वी बाई टू आर, तो पहले मैं फ्रीक्वेंसी रख देता हूं वी बाई टू आर और मल्टीप्लाई बाई ये जो हमारी ट्रांसमिशन कोफिशियंट है 16 वी नोट माइनस ई डिवाइडेड बाई वी नोट स्क्वेयर ई की पावर माइनस 2k2a, ये इंपॉर्टेंट हमारी एक इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन 9 दे देते हैं। अब प्यार बच्चों यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये देखिए इफ 2k2a इट इज वेरी मच ग्रेटर देन 1, अगर ये एक से बहुत ज्यादा है उस केस में ये जो फैक्टर है ना ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रह नहीं जाता है आप देखेंगे, और ये क्योंकि जो e है इट इज लेस देन वी नोट, इट इज वेरी मच लेस देन वी नोट, ऐसे केसेस में प्यारे बच्चों देखिए जब ये एक से बहुत ज्यादा बड़ी राशि हो जाए और e पहले हम बता रहे हैं कि ये इससे काफी कम है, तो ये वाली जो पॉइंट आप देखें ना 16 into this is becomes less significant and it approximately आप कहेंगे कि हमारी ये जो 16 into v not minus e by v not square it is approximately becomes equal to 1, यानी कि ये 1 हो जाएगी, तो फिर हमारे पास जो ट्रांसमिशन कोफिशियंट रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, ये देखिए वो तो ये था ना और ये 1 हो गया इन कंडीशंस में, तो फिर ये कितना रह गया e की पावर माइनस 2k2a, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन है ना प्यारे बच्चों वो कितनी रह जाएगी, ये देखिए v बाई 2r और मल्टीप्लाई बाई e की पावर माइनस 2k2a, ये अच्छा प्यारे बच्चों इसमें तो क्या है कि हमने पोटेंशियल को कांस्टेंट मान लिया रीजन 2 के अंदर, जहां x की वैल्यू है ना 0 और a के बीच में, रीजन 2 की बात कर रहे हैं, इफ पोटेंशियल इज नॉट कांस्टेंट, ये भी तो हो सकता है ना, आपसे देखो प्यारे बच्चों किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पोटेंशियल इज नॉट कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, फिर तो हम इसे लिखेंगे e की पावर माइनस 2 r 2 r 1 और k 2 a इंटू डी आर, ऐसे और यहां पर k 2 की वैल्यू प्यारे बच्चों आप जानते हैं, रखे लीजिए वापिस e 2 r 2 r 1 और k 2 के स्थान पर हमने क्या लिखा था 2 m v नोट माइनस e बाई एच क्रॉस और ये रूट में था इंटू डी आर, यही तो है इंटू डी आर, ये लिख लिए प्यारे बच्चे यहां पर, तो ये ट्रांसमिशन कोफिशियंट की वैल्यू, फिर ये हमारी प्रोबेबिलिटी
कितनी हो जाएगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर अल्फा डीके, प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा डीके। प्यारे बच्चे ये देखिए ये कितनी हो जाएगी, यहां पर इसमें रख दीजिए, ये उस केस में जब वो जो पोटेंशियल है रीजन टू में कॉन्स्टेंट ना रहे, तब की मैं बात कर रहा हूं। तो ये लेमडा जो है इट इज इक्वल टू वी बाई टू आर इंटू ई की पावर माइनस टू, ये रखा हूं मैं आर टू आर वन टू एम वी नोट माइनस ई डिवाइडेड बाई एच क्रॉस इंटू डी आर, ये हो गया। और ये चीज यहां है ही, और e की पावर टू के टू और a a भी है वो हम यहां लिख देते हैं, यानी दस। दिस इक्वेशन गिव दी प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा डीके, और यहां देखिए कहीं भी इमेजिनरी वर्ड नहीं है, आइटम नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि देर इज ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल थ्रू दिस पोटेंशियल बैरियर, इट मींस दैट अल्फा डीके इज पॉसिबल, यानी कि अल्फा पार्टिकल कैन पेनिट्रेट थ्रू दिस पोटेंशियल बैरियर इवन इफ इट्स एनर्जी इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू इट्स दिस पोटेंशियल हाइट। वह अब हम लिखते हैं इक्वेशन 10, प्यारे बच्चों आप देख लीजिए आपके सामने इक्वेशन 10 गिव्स दी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ टनलिंग, कह दीजिए और ट्रांसमिशन मिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल थ्रू बैरियर, मतलब ये देखिए एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है यहां पर, यहां कोई काल्पनिक या इमेजिनेशन या इमेजिनरी वर्ड नहीं आ रहा है, इसलिए हम ये कह रहे हैं यही है हमारा फाइनल रिजल्ट भी। गिव्स द फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ टनलिंग या फिर ट्रांसमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल कहां से, थ्रू द बैरियर और वो भी कब, इवन इट्स एनर्जी जो हमारा अल्फा पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन, जो हम मान के चले थे कि ई इज लेस देन वी नॉट लेस देन दी बैरियर हाइट। प्यारे बच्चों एक बार हम स्पेशल केसेस और देख लेते हैं कि भाई ये क्लासिकली पॉसिबल क्यों नहीं है, वो भी देख लेते हैं स्पेशल केस। और इसमें जैसे देखिए प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट है ये बहुत ही कम होता है, इसकी वैल्यू -34, तो हम इसको जीरो के आसपास ले लेते हैं, ठीक है। जब इसको जीरो के आसपास ले लेंगे तो हमारी जो ट्रांसमिशन कोफिशियंट की वैल्यू आएगी ना वो जीरो ही आ जाएगी, क्योंकि इस फैक्टर पे ये फैक्टर उसमें भी आता है, और उस केस में ये जो लैम्डा की वैल्यू आती है दैट कम्स आउट टू बी जीरो, ये भी जीरो आ जाएगी। क्यों, आप देखे हैं कि जब इसको हम जीरो कर लेंगे तो ये लैम्डा की वैल्यू जीरो आ गई। और ये जो हाफ लाइफ होती है, देखिए सीधा संबंध हाफ लाइफ का किससे होता है, हाफ लाइफ किसके बराबर होता है 1/2, इट इज इक्वल टू 1/λ, और 1/λ कितनी हो गई जीरो, तो ये तो इन्फिनिटी हो गई। इसका मतलब उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। इसका मतलब है कि क्लासिकली अगर हम देखते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, अल्फा डीके इज नॉट पॉसिबल, यानी कि क्लासिकली अल्फा डीके इज नॉट पॉसिबल। और ये हमने पहले ही बता दिया है क्वांटम थ्योरी के मुताबिक देर इज ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस पोटेंशियल बैरियर बाय एन अल्फा पार्टिकल हुज एनर्जी इज वेरी मच लेस देन पोटेंशियल हाइट और पोटेंशियल बैरियर। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो इस पूरी थ्योरी ऑफ अल्फा डिसइंटीग्रेशन कहिए या अल्फा डीके कहिए, तो फिर आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। मैंने बहुत ही धीरे धीरे इजी स्टेप में आपको इनको समझा दिया है, शुरुआत लेके चलेंगे, पहले अल्फा पार्टिकल की डिसइंटीग्रेशन की बात करेंगे, थोड़ी बहुत बात अल्फा पार्टिकल की बात कर लेंगे,
और फिर आप न्यूक्लियस की बात करेंगे, न्यूक्लियस में क्या क्या हो रहा है, वहां शॉर्ट रेंज जो है अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहां पर लॉन्ग रेंज रिपल्सिव फोर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे वेरी करते हैं मैंने वो बताया। और उसके बाद हमने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से आते हैं इस थ्योरी में ना, उनकी एनर्जी 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली जो अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं रेडियोएक्टिविटी के दौरान, उनकी एनर्जी 4.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। इसलिए क्लासिकली ये पॉसिबल नहीं है कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर आ सके। इसलिए फिर हमारी गैमोन्स थ्योरी, जो हमारी क्वांटम थ्योरी के आधार पर 1928 में बहुत ही इजी स्टेप में लिया, और उन्होंने कहा कि देयर इज अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन बाय एन अल्फा पार्टिकल टू पेनिट्रेट द बैरियर हुज हाइट इज वेरी मच लार्ज देन द एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। और इस तरीके से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब टर्न आपकी है, अगर आपको ये समझ में आ गया है, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल आर्टिकल जरूर था और हमारे 8 नंबर भी पक्के हो गए होंगे अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है, समझा है और अपने नोट्स बनाए हैं। नोट्स अगर नहीं बना पाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। बस आप तो अपने इन दोनों चैनल्स के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इसी तरह के तमाम आर्टिकल्स, तमाम टॉपिक्स हम आपको समझाने वाले हैं फिजिक्स के सभी क्लासेस के लिए। इसलिए आप कहेंगे सर हमने तो सब्सक्राइब कर रखा है, कोई बात नहीं, आप अपने जो दूसरे साथी हैं उनको शेयर कीजिए और मुझे भी बता दीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, कहां से आप बिलोंग कर रहे हैं। उन सभी एक्टिव स्टूडेंट्स का यहां से धन्यवाद करता हूं, थैंक यू वेरी मच।